तथा पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा समर्थित फैशन शो विव वॉक का सेकेंड सीजन बहुत ही शानदार रहा। होटल फेयरमोंट जयपुर में आयोजित किए गए इस अनूठे फैशन शो में प्रोफेशनल मॉडल्स के स्थान पर उन महिलाओं ने साड़ी पहनकर रैंप पर कैटवॉक की, जो कि भारतीय परंपरा का भरपूर समर्थन करती है। फैशन शो विव वॉक में राजस्थान के 8 जिलों से बनवाई गई पट्टू, आवा, रासिका रेड, इंडिगो बगरू, कोटा जरी, मोजामाबाद, अजरक आदि साड़ियों को शोकेस किया गया, जो अपने आप में हेरिटेज और कला का जीवंत उदाहरण है। विव वॉक को बॉलीवुड फैम कोरियोग्राफर शाय लोबा ने कोरियोग्राफ किया। वहीं शो की स्टाइलिस्ट जयपुर निवासी संध्या थी। फैशन शो में जयपुर की 40 प्रमुख महिलाओं के साथ शिल्प कलाकारों ने रैंप वॉक की, जिनमें डॉक्टर, शिक्षाविद, गृहिणी, उद्यमी, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, डिजिटल रणनीतिकार आदि शामिल रही। जस्सी छावड़ा, नताशा चोरडिया, ललिता कुच्छल, अंजलि गुप्ता, राज निरल, अनुजा बाजोरिया, आशना वासवानी, आशिमा परनामी, संगीता मल्होत्रा, हेमा हरचंदानी, सरीखी 40 जयपुर राइट्स ने पेशेवर मॉडल्स की बजाय जयपुर हेडलाइनर्स के रूप में बुनकरों द्वारा तैयार साड़ियों के डिजाइन और क्राफ्ट को शोकेज किया, जो कि शो में हेरिटेज सिंगर मधु भार के लोक संगीत की प्रस्तुति भी विशेष रही। इस मौके पर पर्यटन विभाग राजस्थान के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ मुख्य अतिथि थी। अन्य विशिष्ट अतिथियों में होटल फेयरमोंट की डायरेक्टर जूही शर्मा, जीएम राजीव कपूर थे। जयपुर साड़ी स्पीक्स की चेयरपर्सन साधना गर्ग ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में रघु सिन्हा, माला माथुर ट्रस्ट से सुधीर माथुर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल, हाइट्स इंस्टीट्यूट से दीपक गुप्ता, शेड्स ब्यूटी सैलून के डायरेक्टर हितेन छाबड़ा सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। राजस्थान के बुनाई कलाकारों के शिल्प कौशल को बेहतर बनाने के और प्रदर्शित करने के लिए इस फैशन शो का आयोजन किया गया। रघुकुल ट्रस्ट की चेयरपर्सन साधना गर्ग ने बताया कि हमारी टैगलाइन है जीवित परंपराओं को बढ़ावा देना, और इसी के अनुसार हम अपनी प्रदर्शन कला और शिल्प कला को व्यवसायीकरण से परे देखना चाहते हैं। हम स्थानीय शिल्प कला समुदायों को और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करते हुए इंक्लूसिव पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। विव वॉक में उन हेरिटेज स्थली को प्रदर्शित किया गया जो कम प्रचलित है। आपको कैसा लगा ये समाचार बुलेटिन? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।